जय श्री राधे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यह कार्तिक मास चल रहा है। इस साल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पुण्य और दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की भी पूजा करने से भक्तों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीप दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी, तालाब या कुआं है, आप वहां जाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से भी आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ देने से आपको माँ लक्ष्मी का कृपा विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति भी होती है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पे आप भी अपने चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राधे।